पौन पौन इंच दोस्तों इस तरीके से निशान लगाएंगे हम, और इसमें दोस्तों गहराई कटिंग कर देंगे। हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको जोड़ वाली बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। पहले दोस्तों हम नाप लेके दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको बाजू कटिंग करना सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाजू का नाप लेते हैं दोस्तों, जहाँ से हमारी बाजू की ये कंधी गिरी होती है यहाँ तक दोस्तों हमारा शोल्डर है। शोल्डर से नीचे हमारी जो बाजू गिरी होती है नीचे के लिए, वहाँ से दोस्तों हम बाजू का नाप लेंगे। यहाँ से इंच टेप इस तरीके से रखेंगे, और जितनी आपको लंबी बाजू रखनी है उसी हिसाब से दोस्तों इसकी लंबाई ले लेंगे। हमें दोस्तों 16 इंच रखनी है, तो 16 इंच की हम बाजू की लंबाई ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारी 16 इंच आई थी, यहाँ से हम बाजू की गुलाई ले लेंगे। इस तरीके से 10 इंच हम गुलाई ले लेते हैं बाजू की। अब दोस्तों बाजू 22 टैप का नाप लेंगे, यहाँ से हमने बाजू का नाप लिया था। यहीं से दोस्तों हम 3.5 इंच या 3 इंच के लमसम में दोस्तों हम इंच टेप रखेंगे, और यहाँ से दोस्तों हम बाजू का 22 टैप ले लेंगे, यहाँ की गुलाई लेंगे दोस्तों। अब हाथ इस तरीके से ऊपर करेंगे, और यहाँ से दोस्तों फिक्स में एकदम नाप और बाजू को एकदम नीचे करवा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिक्स में एकदम नाप हम ले लेंगे। यहाँ पर बाजू 22 टैप का नाप आ रहा है 12.5। अब दोस्तों आपको बाजू कटिंग करके दिखाते हैं इसी नाप। ये दोस्तों हमने बाजू का नाप लिख लिया है, लंबाई हमारी 16 इंच थी, बाजू की गुलाई 5 इंच थी, और बाजू बाइसेप्स दोस्तों 12.5 इंच था। बाजू बाइसेप्स दोस्तों हम प्लस करेंगे 3 इंच, और ये हमारा बनके तैयार आ जाएगा 15 इंच। ये दोस्तों 15.5 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। अगर आपका सूट की बाजू कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे बाजू बाइसेप्स में, तो हमारा 12 × 3 = 15 और आधा इंच 15.5 इंच हमारा बाजू बाइसेप्स तैयार होगा। दोस्तों आप ब्लाउज की बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू बाइसेप्स में दोस्तों हम प्लस करेंगे 2 इंच, ठीक है। अगर सूट की बाजू कटिंग कर रहे हो तो 3 इंच प्लस करना, अगर ब्लाउज की बाजू कटिंग करोगे तो 2 इंच प्लस करना है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों हमारी बाजू है जोड़ वाली, 2 पीस ये हैं दोस्तों, और 2 पीस दोस्तों ये हैं हमारे। ये टोटल हमारे दोस्तों 4 पीस हैं, एक जैसा है दोस्तों। ये साइड में से सूट का कपड़ा बचा हुआ था हमारा, उसी में से जोड़ की बाजू आपको कटिंग करके दिखाएंगे। ये दोस्तों एक बराबर है हमारे 4 पीस। अब सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 2 पीस हम हटा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये हमारा किनारे वाला साइड है और अंदर हमारा सीधा है। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से नापेंगे बाजू बाइसेप्स, हमारा 15.5 इंच है, तो यहाँ से हम एक नाप लेंगे कि हमारा 15.5 इंच बाजू बाइसेप्स आ जाएगा, और उसके बाद हमारा मार्जिन भी यहाँ पर बचना चाहिए। पहले हम यह नाप लेंगे इसी तरीके से, और उसके बाद हम बाजू का जोड़ लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों हमारा इतना मार्जिन बच जाएगा बाजू में, और हमारा बाजू बाइसेप्स तैयार आ जाएगा 15.5 इंच, यानी कि 15.5 का हो गया हमारा 7.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारा बाजू बाइसेप्स बनके तैयार हो जाएगा, और कपड़ा हम इस तरीके से ही फोल्ड करेंगे। जब भी आप बाजू कटिंग करें तो इस तरीके से पहले बाजू बाइसेप्स नाप लें, उसके बाद ही आप जोड़ वाली बाजू कटिंग करें। इस तरीके से यहीं से हम कपड़ा ये फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर ये कपड़ा है हमारा, इसको इस तरीके से नाप लेंगे कि हमारा इसमें जोड़ भी निकल आएगा और कपड़ा भी बच जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हमारा कपड़ा कम बचता है, जो हमारी बाजू कटिंग करने के बाद भी, मतलब जोड़ लगाने के बावजूद भी हमारा ये जोड़ नहीं आ पाता इतना स्पेस। तो आप सबसे पहले कपड़ा नाप के ही उसके बाद ही कटिंग करें, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम एक निशान लगाएंगे, और इंच टेप लेंगे। इंच टेप की मदद से दोस्तों हमने 3.5 इंच पे बाजू बाइसेप्स का नाप लिया था, तो 3.5 इंच का लंबाई रखेंगे यहाँ पर, और बाजू की लंबाई हमारी थी 16 इंच, तो 16.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इन निशानों को करेंगे सीधा। ये दोस्तों बाजू बाइसेप्स का हमारा निशान लग गया है। यहाँ पर दोस्तों हम बाजू बाइसेप्स रखेंगे 15.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच। इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, और मोहरी का निशान लगाएंगे दोस्तों नीचे, हम मोहरी हमारी 5 इंच। अब इस निशान को इस निशान से सेफ अंटी की मदद से हम इसमें सेफ दे देंगे। और इस तरीके से सेफ अंटी को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हम मार्जिन का निशान लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान लग गया। अब यहाँ से दोस्तों सेप देंगे इस तरीके से, हल्के हल्के बाजू आरमोल का सेप दे देंगे, एकदम गुलाई में अच्छे से हम बाजू आरमोल का सेप दे देंगे, और इसी निशानों पे हम कर देंगे कटिंग।
ये दोस्तों हमारी बाजू कटिंग हो गई। यहाँ पर एक कुटका लगाएंगे और यहाँ मार्जिन का कुटका लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कंधे शोल्डर का कुटका लगाएंगे। ये दोस्तों हमने कुटका लगा लिए। अब दोस्तों इसका जोड़ कटिंग करेंगे। बचा हुआ था दोस्तों इसे हमने बिछा लिया, अंदर का हमारा सीधा है इसमें। अब इस तरीके से इसे बिछा लेंगे, बाजू उठाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों ये हमारी किनारी दिख रही है, इस किनारी को और इस वाले नीचे पल्ले की ये किनारी है, और ये निशान हमारा ऊपर वाला है और नीचे वाला निशान ये है। ये लंबा लगा लेता हूँ थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा। अब इस तरीके से इस निशान को आपस में, इस वाले निशान को और ये ऊपर का निशान और नीचे का निशान इस तरीके से आपस में मिलना चाहिए। इतना मार्जिन हमारा इधर है और नीचे वाला मार्जिन इधर है। इसी तरीके से हम ऊपर लगा लेंगे निशान अच्छे से पूरा एकदम फिनिशिंग से बिछा कर। इसी तरीके से ऊपर भी हमारा मार्जिन ये दिख रहा है, इस साइड है और ये बाजू का ऊपर वाली का इस साइड है। इसी तरीके से हम दोस्तों आधा आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बाजू बराबर से ही कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारा जोड़ कटिंग हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जोड़ हमारा एक जैसा ऊपर नीचे चढ़ के आया है, इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी ऊपर नीचे जोड़ चढ़ के आना चाहिए। हमारा जोड़ जो कटेगा एक जैसा ही कटेगा। और यहाँ पर भी हम ये कुटका लगा लें। अब जितना मार्जिन दोस्तों हमने इसमें दिया था उसी हिसाब से इसको जोड़ को लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे का दिखाते हैं। ये दोस्तों हमने जोड़ लगा लिए हैं दोनों बाजू में। अब ये हम प्रेस की मदद से इन जोड़ों को चीर देंगे। ये दोस्तों हमने जोड़ प्रेस की मदद से दोनों बाजू के चीर लिए हैं। इसमें दोस्तों हमारी किनारी थे तो इसलिए हमने इसमें जोड़ चीर लिए हैं प्रेस की मदद से, जिससे कि हमारे धागे नहीं निकलेंगे। अगर आपके बिना किनारी के जोड़ हैं तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं उसमें, और एक तरफ के लिए जोड़ इस तरीके से करके आप प्रेस लगा सकते हैं फिनिशिंग से। हमने इसमें किनारी थी तो इसलिए हमने ये चीर दिए हैं। अब दोस्तों इसे बाजू को दोबारा अच्छे से बिछा लेते हैं। ये दोस्तों हमने बाजू दोबारा एक जैसी बिछा ली है। अब यहाँ से जो हमारा आड़ा टेढ़ा हल्का सा कपड़ा है इसे इसी के बराबर से कटिंग कर देंगे। ये हमने हाथ से कपड़ा कटिंग कर दिया। अब बाजू को इस तरीके से दोबारा से खोलेंगे। जिधर दोस्तों हमारा जोड़ लगा है उधर हम गहराई बाजू की कटिंग नहीं करेंगे। जो फ्रंट में गहराई कटिंग होती है उधर दोस्तों जोड़ वाली तरफ हमें कटिंग नहीं करनी है। जिधर हमारा जोड़ नहीं लगा है उस तरफ हम कटिंग करेंगे। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ले में आएगा, सामने की तरफ आएगा, और जोड़ वाला हिस्सा हमारा बैक की तरफ आएगा। पौन पौन इंच दोस्तों इस तरीके से निशान लगाएंगे हम, और इसमें दोस्तों गहराई कटिंग कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों यहाँ से हम कम निशान लगाएंगे और इस जगह पे दोस्तों हम पौन इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हम नाप के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हमारा पौन इंच, एक इंच से दो सूत कम हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब इसी तरीके से हम गहराई में निशान लगा के आप कटिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग हो गई जोड़ वाले की। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।